नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि केवी क्लास वन की एडमिशन लिस्ट हम कैसे देख सकते हैं, तो उसके बारे में ही ये पार्ट टू वीडियो है। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अदर पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए। तो केवी ऑनलाइन के साइट पे जाके हम लॉग इन करके हमारे बच्चों का डिटेल्ड जो कौन से कैटेगरी में कितना लिस्ट है वो हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने लॉग इन कर लिया है और मैंने 3 केवी को अप्लाई किया था, केवी नंबर 1 को। और यहाँ पे हर कैटेगरी में वेटिंग लिस्ट दिखा रहा है। सेकंड केवी को भी वेटिंग लिस्ट में है, ये सिंगल गर्ल चाइल्ड में 17 वेटिंग है, फर्स्ट 5 कंफर्म है। आरटी में भी 85 नंबर है, सो पहले 30 कंफर्म है और 55 वेटिंग है। थर्ड केवी में भी बीआरडी में सिंगल गर्ल चाइल्ड में 28 नंबर है, पहले 2 कंफर्म है और 26 वेटिंग है। आरटीए में भी वैसा है, 10 सीट्स पहले कंफर्म है, नंबर है 111, तो वेटिंग लिस्ट है 101। बट मुझे क्या करना है अभी कि मुझे डिटेल लिस्ट चाहिए कि मेरे ऊपर जो लिस्ट में बच्चे का नाम है वो हमें मुझे देखना है। तो हम वो कैसे देख सकते हैं? तो उसके लिए आप कौन से भी केवी की वेबसाइट पे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे है नंबर 1 अहमदनगर केवी का वेबसाइट। तो यहाँ पे ऊपर ही जो टॉप बार है उसमें एडमिशन और यहाँ पे एक स्क्रोलिंग नोटिस है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर सकते हैं और वो देख सकते हैं। सो ये है नंबर 2 केवी की वेबसाइट, एमआरसी अहमदनगर। तो यहाँ पे भी स्क्रोलिंग बार है, उस पर हम क्लिक कर सकते हैं। देन तीसरा केवी है वीआरडी का, तो वहाँ पे भी स्क्रोलिंग नोटिस है। सो आप किसी भी लोकल केवी के वेबसाइट पे जाके वो चेक कर सकते हैं। चलो तो देखते हैं हम। मैं जाता हूँ नंबर 2 केवी के वेबसाइट पे और वहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो वहाँ पे आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा, तो उसको क्लिक करना है। ओके, तो ओके की क्लिक करने के बाद एक नया वेबसाइट खुलेगा, education.gov.kvs। और इस पे हम हमारा स्टेट और केवी विद्यालय का ड्रॉप डाउन सिलेक्ट कर सकते हैं। सो अहमदनगर में इन महाराष्ट्र स्टेट, अहमदनगर महाराष्ट्र स्टेट में है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे है केवी नंबर 2, केवी नंबर 1 एंड केवी नंबर 3। तो मुझे देखना है केवी 2 का, तो यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको पूरा कैटेगराइज लॉटरी रिजल्ट का पीडीएफ मिलेगा, तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ ओबीसी कैटेगरी, तो यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ। तो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा कि कैटेगरी 5 है और वेटिंग लिस्ट 158 है ओबीसी में। तो वैसे ही मुझे अदर कैटेगरी में देखना है, सपोज आरटी में। तो यहाँ पे आरटी की लिस्ट है, मैं सर्च करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 85 नंबर है, पहले 30 कंफर्म है और वेटिंग लिस्ट है 55। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम पहले 3 कौन से है, इसमें कौन कौन के किस किस कैंडिडेट के नाम है, किन किन बच्चों के। तो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। तो मुझे सिंगल गर्ल चाइल्ड का देखना है, एचजीसी कैटेगरी। तो यहाँ पे मुझे दिख जाएगा कि पहले 6 बच्चों का कंफर्म हुआ है और यहाँ से 7 नंबर से वेटिंग लिस्ट 1-0 हुआ है। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मेरे बच्चे का नाम यहाँ पे है, 17 वेटिंग, 23 लॉटरी नंबर।
तो इस तरह से आप भी अपने बच्चों का लॉटरी लिस्ट में नाम देख सकते हैं, डिटेल लिस्ट देख सकते हैं। वैसे ही आपको दूसरी केवी का देखना है तो आप सिर्फ यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट कीजिए। फॉर एग्जांपल मुझे चेक करना है राजस्थान का, तो इसमें अजमेर का चेक करना है, जस्ट सर्च, ये अजमेर का लिस्ट आपको मिल जाएगा, आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए, वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। आपको कुछ भी डाउट होगा तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो अदर पेरेंट के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय।